केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन करेंगे अर्थात तृतीय कोटि की अभिक्रिया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तृतीय कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा भी ठीक उसी प्रकार होगा जैसे द्वितीय कोटि प्रथम कोटि और जीरो कोटि के परिभाषा हुआ था। अतः ऐसी अभिक्रिया जो तीन पदों में संपन्न होती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी से उत्पाद या इसी को ए बराबर बी बराबर सी कर देंगे ए प्लस ए से उत्पाद, इसको एक साथ जोड़कर लिखने पर थ्री ए से उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो इसमें के मान को गणना करने के लिए फिर से पुनः वापस लिखने पर इसी समीकरण को अर्थात 3A से उत्पाद 3A से उत्पाद समय का मान जीरो करने पर इनिशियल मोल स्मॉल ए आइए जीरो टी समय पर ए माइनस एक्स और ये एक्स फिर से वही नियम अभिक्रिया का वेग समानुपाती क्रिया कारक की सांद्रता स्मॉल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 3 स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल के ए के स्थान पर ए माइनस एक्स अर्थात स्मॉल आर के स्थान पर डी एक्स अपॉन डी टी। ये सभी टर्म में यही कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर हो सेकेंड ऑर्डर हो थर्ड ऑर्डर हो या जीरो ऑर्डर हो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कैपिटल के ए माइनस एक्स के होल पावर 3। अब इस टर्म को उठाकर इधर सेपरेट करने पर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अर्थात डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स के होल पावर 3 इज इक्वल टू के इंटू डी टी इज इक्वल टू के इंटू डी टी। दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स के होल पावर 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए माइनस एक्स के होल पावर 3 इंटू डी एक्स के कॉन्स्टेंट है जिसको बाहर निकाल लेंगे तो वन इंटू डी टी इसको ऊपर ले जाएंगे ए माइनस एक्स होल पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल के टी के पावर 0 इंटू डी टी। अब इसको फॉर्मूला के अनुसार इंटीग्रेट करने पर जैसे फॉर्मूला एक्स टू द पावर माइनस एन इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर माइनस एन प्लस वन बाई माइनस एन प्लस वन प्लस सी इसका प्रयोग करके इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं तो निम्न रूपों में होगा अर्थात ए माइनस एक्स के होल पावर माइनस 3 प्लस वन अपॉन माइनस 3 प्लस वन इज इक्वल टू कैपिटल के टी के पावर 0 प्लस वन प्लस वन प्लस सी अर्थात ए माइनस एक्स होल पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2। यहाँ पर माइनस एक टर्म से डिवाइड करना भूल गए थे, इंटीग्रेशन में भाग होता है डिफरेंशिएशन में गुना होता है इज इक्वल टू कैपिटल के टी के पावर 1 बाई 1 प्लस सी। इस टर्म को अब आगे सॉल्व करेंगे तो निम्न प्रकार के रिजल्ट मिल रहा है एक्स होल पावर माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू
टी प्लस सी ऊपर माइनस है नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा अर्थात वन अपॉन टू इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टी प्लस सी, के टी प्लस सी। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण एक में सांद्रता और समय का मान पुट करने पर सी का मान प्राप्त निम्न रूपों में होता है अर्थात समय का मान जीरो तो एक्स का मान जीरो वन अपॉन टू इंटू ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर इक्वल टू के टी प्लस सी वन अपॉन टू इंटू ए माइनस जीरो का होल स्क्वायर के इंटू जीरो प्लस सी वन अपॉन टू इंटू ए का स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस सी वन अपॉन टू ए स्क्वायर या सी इक्वल टू वन अपॉन टू ए स्क्वायर आ गया। अब सी का मान समीकरण एक में रखने पर सी का मान समीकरण एक वन अपॉन टू इंटू ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी, सी का मान वन अपॉन टू ए स्क्वायर इस टर्म को इधर लिखने पर इस टर्म को इधर के टी प्लस वन अपॉन टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर के टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू ए स्क्वायर। दोनों में जो कॉमन लेने पर दोनों से जो कॉमन ले लेते हैं कॉमन ले लेने से कैलकुलेशन और इजी और सिंपल हो जाएगा अर्थात दो कॉमन लेकर हटाने पर के टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू कॉमन ले लिए इधर बच गया वन अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर अर्थात के टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू एलसीएम दोनों का हो गया ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर चल गया ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो के टी इक्वल टू आप लोगों को पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अर्थात के टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर कैंसिल होने के बाद आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो के का मान प्राप्त होगा अर्थात के टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू बच गया माइनस एक्स स्क्वायर पहले प्लस वाला लिख लेते हैं माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स तो टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अर्थात के टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू इसे एक्स कॉमन ले लेते हैं तो टू ए माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो के का मान आ गया एक्स अपॉन टू टी टू ए माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
ये के का मान आ गया, इसी मान का गणना कर रहे थे, अर्थात के का मान x अपॉन टू टी टू ए माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है।